क्या क्या बता दी है कि मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम रूट एंड लीफ। अब ये फोर टॉपिक है हमारा इन्फ्लोरिसेंस। इन्फ्लोरिसेंस क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज द इन्फ्लोरिसेंस। फ्लोरल एक्सिस पे किसी फ्लावर का लगना इट इज कॉल्ड द किस मैनर में लग रहा है, किस क्या अरेंजमेंट इट इज द इन्फ्लोरिसेंस। ये दो तरीके के होते हैं, एक तो रेसिमोस एंड साइमोस। अब हम देखते हैं कि फ्लोरल एक्सिस क्या होता है। देखिए बच्चों, जिस तरीके से इट इज़ ए काइंड ऑफ स्टेम, इस स्टेम पे जैसे मैंने बताया कि ये क्या होती हैं, नोड होती हैं। अब ये नोड जो होती हैं, यहाँ पर एक्जिलरी बड होती है, ये एक्जिलरी बड क्या करती है, एक ब्रांच बनाती है जिस पर लीव्स होती हैं, है ना, यही बताया था मैंने। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ भी नोड है, यहाँ भी एक्जिलरी बड होगी, है ना। नोड से क्या निकलेंगी, लीव्स निकलेंगी। नोड से क्या निकलती है, लीव्स निकलती हैं, हमेशा नोड से लीव्स निकलती हैं। ये नोड से क्या निकलेंगी, लीव्स निकलती हैं। ओके, और लेकिन क्या होता है कि इट डिपेंड ऑन द एक्जिलरी बड। एक्जिलरी बड के पास दो तरीके की चॉइस होती है, या तो वो लीव की फॉर्मेशन कराए, या वो क्या करे, फ्लोरल एक्सिस का डेवलपमेंट करा के एक फ्लावर का क्या करें, फॉर्मेशन करा दे। यहाँ पर एक्जिलरी बड जो डेवलप हो कर रही है, वो उसने अपने आप को कन्वर्ट किया एक ब्रांच में। ब्रांच में पीछे की साइड में, जहाँ पर इस ब्रांच में भी नोड होंगी, है ना, ये नोड है ना, इस ब्रांच पे भी नोड होंगी। और आपको जैसा मैं बता रही हूँ कि नोड पर हमेशा लीफ ही निकलती है, जैसे यहाँ निकल रही हैं। अब इस नोड के पास क्या होगी, एक वो भी तो होगी एक्जिलरी बड। ये क्या है, एक्जिलरी बड है। मैंने जैसे कहा कि एक्जिलरी बड जो होती है, उसका काम है या उसकी चॉइस है कि वो या तो लीफ बनाए या एक फ्लावर का फॉर्मेशन कराए फ्लोरल एक्सिस पे। यहाँ पर उसने लीफ बना दी एक्जिलरी बड में, सॉरी नोड ने। अब नोड पे जब लीफ लग गई, तो वहाँ पर एक एक्जिलरी बड भी होगी। अब एक्जिलरी बड जो हुई, वो उसने क्या किया, अपने आप को डेवलपमेंट करा लिया इस ब्रांच में। इस उसने एक ब्रांच बना दी, और इस ब्रांच पे भी तो नोड होंगी ना, तो उन नोड से आपको मालूम है लीफ निकलेंगी, नोड से लीफ निकल रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऊपर आते आते जो ब्रांच है, यहाँ पर जो नोड हुई वो पास पास आ गई, एक जगह पर इकट्ठी होती जा रही हैं, कंडेंस्ड होती जा रही हैं। ये क्या है, ये कहें कंडेंस्ड, कंडेंस्ड नोड्स। ये नोड्स क्या करती हैं कि एक जगह थैलेमस लाइक स्ट्रक्चर एक फॉर्मेशन, कंडेंस्ड नोड क्या करती हैं, कंडेंस्ड नोड फॉर्म्स अ थैलेमस, थैलेमस लाइक स्ट्रक्चर, मैं शॉर्ट में लिखी हूँ स्ट्रक्चर। ये कंडेंस्ड नोड आपस में जुड़कर या पास पास आकर एक थैलेमस लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं। और इस थैलेमस पे आपको मालूम है कि फ्लावर्स में बहुत सी चीज़ें होती हैं। फ्लावर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, थैलेमस होता है, और कैलिक्स होता है, करोला होता है, स्टेमिन होता है, एंथर होता है, और गाइनेशियम में बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो नोड पास पास आई, उन्होंने क्या किया कि उन नोड से भी तो लीफ निकलेंगी ना, तो वो लीफ आपस में क्या हुई, कंडेंस हो रही हैं टू फॉर्म द वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स बनाने के लिए उनको वो लीफ अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं। किस में कर लेती हैं, कैलिक्स में कर लेती हैं, करोला में कर लेती हैं, और थैलेमस लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, और बहुत सी चीज़ें बनाती हैं, सो दैट फ्लावर कैन डेवलप। एक फ्लावर कैन जो होता है वो वहाँ पर डेवलप हो सके, इस तरीके से एक फ्लावर यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो अब आपकी समझ में आया कि मैंने क्या कहा। देखिए, नोड से हमेशा क्या निकलेंगी, नोड से हमेशा लीफ ही बनती है ना, नोड पे लीफ बनती है। लेकिन नोड पर एक्जिलरी बड जो होती है, उसके पास चॉइस होती है कि वो या तो ब्रांच निकाले, ब्रांच निकालेगी तो उसमें पीछे क्या बनेंगी, लीफ्स ही बनेंगी। वहाँ पे भी तो ब्रांच जो निकलेगी, उस पर भी तो नोड्स हैं ना, तो नोड्स तो हमेशा ही लीफ बनाती है। अब क्या होता है, जब फ्लावर बनना होता है तो वहाँ पे नोड आपस में कंडेंस्ड हो जाती हैं या कंप्रेस हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और एक थैलेमस लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। थैलेमस लाइक स्ट्रक्चर पर जो नोड्स हैं, जो कंडेंस हो गई हैं, वहाँ भी तो क्या निकलेंगी, लीफ्स निकलेंगी। लेकिन ये लीफ्स अब अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं टू फॉर्म द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, और एक डिफरेंट पार्ट फ्लावर के बनाने लगती हैं, जिससे कि एक फॉर्मेशन हो जाती है फ्लावर की।
इज दैट क्लियर? और इस एक्सिस को ही हम फ्लोरल एक्सिस कहते हैं, ये एक्सिस जो है इसको हम कहते हैं फ्लोरल फ्लोरल एक्सिस, ये फ्लोरल एक्सिस कहलाता है। यही मैंने लिखा है, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड द इनफ्लोरेसेंस। ओके, ये टर्मिनल, ये होता है दो तरीके का, एक होता है रेसिमोस और एक होता है साइमोस। अब रेसिमोस क्या होता है और साइमोस क्या होता है इसको हम देखते हैं। ओके यस बच्चों, तो हम देखेंगे इट इज टू काइंड ऑफ इनफ्लोरेसेंस, पहला है रेसिमोस एंड साइमोस, देखेंगे कि हम इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए बच्चों, रेसिमोस जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसमें क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं इट इज़ ए काइंड ऑफ स्टेम, इस स्टेम पे क्या है नोड्स आर प्रेजेंट, जैसे मालूम है हर स्टेम पे नोड होती है, ठीक है। अब नोड क्या बनाएगी, लीफ बनाएगी ना, लीफ बना रही है ये, है ना, लीफ बना रही है। अब इस पर एक्सिलरी बड भी तो प्रेजेंट होती है ना, इस एंगल पर एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आगे ये तो लीव्स बन गई, लीव्स नोड, यहाँ पे नोड्स होगा तो नोड्स पे तो लीव्स बन गई, लीफ बना दिए नोड्स पे, है ना। अब क्या होगा कि वही चीज़ आगे जाके नोड क्या होगी, कंप्रेस हो जाएगी और एक फ्लावर को जन्म दे देगी या फ्लावर बना देगी, इट इज़ ए फ्लावर, ठीक है। इतना आ गया समझ में, तो लेटरली क्या होगा कि रेसिमोस में क्या होता है, जो भी फॉर्मेशन होती है, जिस भी चीज़ की फॉर्मेशन होगी वो क्या करेगी कि पहले जैसे ये बड है, अब ये एक्सिलरी बड, इट इज़ द एक्सिलरी बड, है ना, एक्सिलरी बड जो है इसने क्या बना दी, ब्रांच बना दी, और ब्रांच भी क्या है लीव से, नेचुरली यही सब होता है। यहाँ पर भी क्या है एक्सिलरी बड है, ये क्या है एक्सिलरी बड है। अब ये एक्सिलरी बड क्या कर रही है, ये एक्सिलरी बड ने ब्रांच बना दी, ब्रांच बना दी, ब्रांच मतलब कि लीव्स बन रही हैं, नोट पे लीव्स लग रही हैं। ओके, अब ये पास पास आ गई सारी नोट्स और एक फॉर्मेशन हो गई किसकी, फ्लावर की। यहाँ पे क्या है लीव से, ये लीव से, ये लीव से, ये लीव से, ये लीव से, सारी में लीव्स हैं। मालूम है हमें कि नोट से जो लीफ ही निकलेगी, एक्सिलरी बड जो होती है वो क्या करेगी कि एक फ्लावर को बना देती है, लेकिन जो फ्लावर बनता है वो बनता है इसके एपिकल मेरी स्टेम पे। देखिए, अगर स्टेम ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है किसका, स्टेम का, इट इज़ द एपिकल मेरी स्टेम, ये इसमें एपिकल मेरी स्टेम है, ठीक है। ये एपिकल मेरिस्टेम का मतलब है कि अपेक्स पर, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है सब, जो अपेक्स पर मेरिस्टेम होता है जिसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, और वो क्या करता है, ये फ्लावर बनाने के काम करता है, फ्लावर बनाने का, और उसको स्टेम को ग्रोथ कराता है, ऊंचाई तक ले जाता है। अगर वहाँ पर फ्लावर की फॉर्मेशन हो गई इस एपिकल मेरिस्टेम पर, इफ़ फ्लावर इस फॉर्म, अगर फ्लावर बन रहा है एपिकल मेरी स्टेम पर, तो क्या होगा, स्टेम ग्रोथ हैज स्टॉप्ड, स्टेम की ग्रोथ जो होगी वो रुक जाएगी, मतलब कि जो प्लांट होगा बस इतना ही रह जाएगा और उसकी ग्रोथ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम पर या अपेक्स पर, जो कि एपिकल मेरिस्टेम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, जो कि स्टेम की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वहाँ पर फॉर्मेशन करा रहा है वो किसकी, फ्लावर की। जब फ्लावर बन जाएगा तो वहाँ पर ग्रोथ उस स्टेम की वहीं पर रुक जाएगी। इस सेट के लिए ये आपके समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि रेसिमोस का जो होता है वो होता कैसे, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे नोड से लीफ निकलेंगी, लीफ निकली, अब इस नोड से के पास एक्सिलरी बड भी तो है ना, एक्सिल पे, एक्सिल पॉइंट जो है या एक्सिल का जो क्या कहते हैं कि स्टेम से लीफ के बीच की दूरी को हम एक्सिल या एक्सिलरी बड अगर वहाँ पर है तो हम उसे एक्सिलरी बड कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सिल एंगल पर प्रेजेंट है, स्टेम और लीफ के बीच की दूरी को हम एक्सिल एंगल कहते हैं। क्लियर? एपेक्स, ये एपिकल मेरिस्टेम समझ में आ गया, एक्सिलरी बड समझ में आ गई, मैंने लास्ट वीडियो में सब बताया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब ये एक्सिलरी बड जो है ये एक ब्रांच बना रही है, ब्रांच की फॉर्मेशन करा रही है जिसपे नीचे की तरफ लीव्स हैं, और ऊपर जाकर इसकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी इफ अ फ्लावर इज फॉर्म देयर। अगर वहाँ पर एपेक्स पे जाकर या एपिकल मेरिस्टेम पे जाकर
क्या हो गया, फ्लावर क्या फॉर्मेशन हो गया, तो उस ब्रांच की या उस स्टेम की, अगर स्टेम के एपेक्स पे फ्लावर बन गया तो स्टेम इतना ही रह जाएगा, अगर लेटरली ब्रांच जो जहाँ से निकल रही है वहाँ के अपेक्स पर, यहाँ भी एपिकल मेरिस्टेम होगा, यहाँ पर फ्लावर बन गया तो ये ब्रांच हमारी इतनी ही बड़ी रह जाएगी, उसके आगे उसकी ग्रोथ नहीं होगी। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं रेसिमोज में होता क्या है। पहले मैं एक ही लेके चलती हूँ, बाद में हम साइमोज देखेंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये फ्लावर बन गए, एक्सिलरी बर्ड है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो इसकी खासियत होती है रेसिमोज की, कि ये तो मैंने बताई दिया, ये सब हो गया। अच्छा, इसमें रेसिमोज में जो होता है कि जो लीव्स होती हैं, जैसे लीव्स हुई या फ्लावर्स हुए, पहले हम फ्लावर्स को देखते हैं क्योंकि हम लीव्स नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम फ्लावर्स पढ़ रहे हैं। तो जो ओल्डर फ्लावर्स होते हैं, ओल्डर मीन्स जो फ्लावर्स पहले डेवलप हो गए हैं, ओल्डर फ्लावर्स आर अरेंज्ड, ओल्डर फ्लावर जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, अरेंज्ड एट लोअर साइड, ये लोअर साइड पर होते हैं। क्लियर? ओल्डर फ्लावर्स नीचे होते हैं एंड यंगर फ्लावर जो छोटे छोटे होते हैं, यंगर फ्लावर्स आर अरेंज्ड एट द अपर साइड। अपर साइड में क्या होते हैं, हमारे जो यंगर फ्लावर्स होते हैं वो लगे हुए होते हैं। क्लियर? इतना तो सही समझ आ गया आपके। अब ये ओल्डर फ्लावर्स जब होंगे तो इनका एक और इसका जो स्पेशल करेक्टर है कि स्टॉक ऑफ ओल्डर फ्लावर्स हैव, या ओल्डर फ्लावर्स हैव लॉन्ग स्टॉक। इनका जो स्टॉक समझते हैं आप, जहाँ से क्या लगे होते हैं, जिसपे लीव्स लगे होती हैं, जिसपे फ्लावर्स लगे होते हैं, और एक ब्रांच को हम स्टॉक कहते हैं, या फ्लावर्स जिसपे, जिस डंडी पे फ्लावर लगा होता है, इट इज कॉल्ड अ स्टॉक। लीफ नहीं होती है वहाँ पे, जैसे ये है, ये फ्लावर है। ओके, तो इट इज़ ए, ये क्या है, ये है फ्लावर, इट इज़ अ फ्लावर और इट इज़ ए स्टॉक, ये है स्टॉक। इतना समझ आ गया, ओल्डर फ्लावर्स हैव लॉन्ग स्टॉक और जो यंगर होते हैं इनमें होता है शॉर्ट स्टॉक। मतलब इनका, जैसे ये है ओल्डर, ये तो ओल्डर है और यंगर में इतना सा होगा और छोटा सा जो साइज होगा फ्लावर्स का वो भी छोटा होगा। यंगर फ्लावर्स छोटे होते हैं और जो ओल्डर फ्लावर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। नीचे की साइड में क्या होते हैं, ओल्डर फ्लावर्स होते हैं और ऊपर की साइड में क्या होते हैं कि छोटे होते हैं। ओके, इन रेसिमोज द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एक्रोपिटल। इस बैनर को, इस वाले, इसको जिस तरीके से कि ओल्डर फ्लावर्स नीचे लगे हैं और यंगर फ्लावर्स ऊपर लगे हैं, इस बैनर को हम कहते हैं एक्रोपिटल बैनर। सपोज इट इज ए स्टेम एंड इट इज, देखिए फ्लावर्स, ये इट इज द फ्लावर्स, ये तो भी बड़ा बना है, छोटा ही बना हूँ। ओके, और ये सबसे बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं। अब आप देख रहे हैं एक्रोपिटल मैनर, इसको हम कहते हैं एक्रोपिटल मैनर। इस मैनर में क्या होता है कि ओल्डर फ्लावर्स आर एट द लोअर साइड एंड द यंगर फ्लावर्स आर एट द अपर साइड, और इस तरीके से एक ए साइज स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। इसमें एक्रो, ए से ही एक्रोपिटल है और शेप भी कौन सी बन रही है, ए शेप्ड इज फॉर्म्ड, ये ए शेप्ड फॉर्म हो जाती है इस मैनर में, सो इट इज कॉल्ड द एक्रोपिटल मैनर। क्लियर? अब हम इसके बाद में देखते हैं, इतना तो आपकी समझ में आ गया कि, और एक चीज़ और इसमें होती है रेसिमोज में कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वहाँ पर फ्लावर नहीं बनता है और जो स्टेम होता है वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है। ओके, इनडेफिनिट, ये मैं लिख देती हूँ, इनडेफिनिट
ग्रोथ ऑफ स्टेम, इनडेफिनिट ग्रोथ होती है किसमें, रेसिमोज में इनडेफिनिट ग्रोथ ऑफ स्टेम होती है, जिससे कि इनके जो स्टेम होते हैं वो लंबाई में ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस मिलती है। ओके, और इनडेफिनिट ग्रोथ हो गई अगर, हाँ इनडेफिनिट का मतलब ये नहीं कि हमेशा बढ़ता रहेगा, मैं जैसे मैंने बताया कि अगर इफ़ एट द एपिकल मेरिस्टेम इफ फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लावर इज देयर देन द ग्रोथ ऑफ स्टेम हैज़ बीन स्टॉप्ड, वहाँ पर वो ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन जब तक कि अगर फ्लावर नहीं बन रहा है एपिकल मेरिस्टेम जो कि अपेक्स पर है, तो लेटरली क्या होंगी, बर्ड जो है वो फॉर्मेशन का, कौन सी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड फॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लावर, फ्लावर को बनाती रहेंगी। और कंडीशन यही होगी कि ओल्डर फ्लावर्स आर एट द लोअर साइड एंड यंगर फ्लावर एट द अपर साइड। और क्या होता है कि ओल्डर फ्लावर्स में जो स्टॉक होगा वो लंबा होगा और यंगर फ्लावर्स में स्टॉक छोटा होगा, सो दैट ए साइज स्ट्रक्चर और ए मैनर स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाई द फ्लावर, सो इट इज कॉल्ड द एक्रोपिकल मैनर। इतना समझ आ गया? ओके, इसे होता किस पे, ये देखते हैं एग्जाम्पल सनफ्लावर बताऊँ मैं आपको, मस्टर्ड में देखिए, मस्टर्ड है और बीट है, बीट में भी मिलता है और बार्ली में मिलता है, बार्ली में मिलता है, गुलमोहर में होता है, ये गुलमोहर में भी पाया जाता है। ओके, तो रेसिमोस तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे नेक्स्ट साइड।